किसान भाई बहनों को झुमकी बहन की ओर से नमस्कार जोहार, और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, आप उम्मीद में हैं कृषि समाचार के, तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। स्वर्ण रेखा परियोजना को पूरा करने के लिए मिला 4 वर्ष का समय। झारखंड में 2.25 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में हो रहा मछली पालन। ग्रीष्मकालीन मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं रुसा मक्का 2। अब समाचार विस्तार से। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना को पूरा करने के लिए और 4 वर्ष का समय बढ़ा दिया गया है। 6,613.74 करोड़ रुपए की इस योजना को केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2014 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य दिया था। केंद्रीय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP में शामिल इस परियोजना को पूरा कर लेने के लिए केंद्र सरकार ने अब 31 मार्च 2018 तक मोहलत दी है। झारखंड में कुल 1,77,194 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मछली पालन किया जाता है। इसमें सरकारी तालाब 15,496 और जिसका जल क्षेत्र 14,973 हेक्टेयर है। निजी तालाब की संख्या 85,849 है जिसका जल क्षेत्र 40,561 हेक्टेयर है। 94,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में मध्यम और बड़े तालाब हैं। 31,000 हेक्टेयर में 148 छोटे जलाशय हैं। चेक डैम और आहर 4,070 हेक्टेयर में तथा 2,090 हेक्टेयर जल क्षेत्र में कोल और अन्य माइंस पिट हैं। झारखंड में अम्लीय मिट्टी वाले खेत की बहुलता है। ऐसे में जिन किसानों के पास अम्लीय मिट्टी वाले खेत हैं और उसमें दलहनी या तिलहनी फसल की खेती करना चाहते हैं, वो फसल लगाने से पहले उपचार के तौर पर मिट्टी में चूना मिलाएं। मिट्टी में मौजूद अम्लीयता सफल खेती में बाधक है, जबकि झारखंड में बड़ी संख्या में अम्लीय मिट्टी वाले खेत हैं। किसान भाई, अगर आपके खेत की मिट्टी भी अम्लीय है और आप उसमें दलहन या तिलहनी फसल लगाना चाहते हैं, तो पहले मिट्टी का उपचार कर लें। जब भी दलहनी और तिलहनी लगाने जा रहे हैं तो मिट्टी का अवस्था देखते हुए, यहाँ का मिट्टी अम्लीय है और अम्लीय मिट्टी में चूना देना आवश्यक है। अगर उसमें हम चूना देते हैं तो बाकी पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध होगा, जिससे आपका फसलों में वृद्धि के साथ साथ उपज में 30 से लेकर 100% तक वृद्धि होने की होती है। इसलिए किसान भाइयों से कहना है कि अम्लीय मिट्टी जो यहाँ की है उसमें खेती करने के पूर्व अपने खेतों में चूना का प्रयोग अवश्य करें। किसान भाई, आने वाले महीनों में ग्रीष्मकालीन मक्का की खेती की जाएगी। जो किसान मक्का फसल लगाना चाहते हैं उन्हें अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेदों के चयन के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। ग्रीष्मकालीन जो हम मक्का की खेती करते हैं या उसको कह सकते हैं जो आघात अर्ली जो खरीफ मौसम का मक्का हुआ वो हम करते हैं, तो इसके लिए जो खरीफ वाली जो अनुशंसित किस्में है उसका भी हम व्यवहार करेंगे, जिसके लिए सुवान कंपोजिट वैरायटी है, बिरसा विकास मक्का 2 है, कंचन है। अगर हम हाइब्रिड में करते हैं HK PM वैरायटी है उसका व्यवहार कर सकते हैं। पूसा अर्ली हाइब्रिड मेज 1 आता है, पूसा अर्ली हाइब्रिड मेज 2 आता है। ये कुछ गंगा सफ़ेद के सीरीज के कुछ हाइब्रिड हैं बाज़ार में, और अलग अलग प्राइवेट कंपनी के भी अच्छे बीज उपलब्ध हैं। इन बीजों का हम व्यवहार करके ग्रीष्मकालीन मक्का में व्यवहार कर सकते हैं। किसान भाई, आप अपने खेत में बीज और खाद का छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर चालित बीज एवं खाद छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 25 से 30 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है और इसके बॉक्स में एक बार में 2.5 से 3 क्विंटल बीज या खाद डालकर छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाई, बैगन फसल में शूट यानी बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए
एक गंधपास यानी एक फेरोमोन ट्रैप 5 एकड़ की दर से लगाएं। अपने कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं आलू फसल में लगने वाले कटवम कीट के रोकथाम के उपाय। अगर आपके खेत में रात्रि के समय में जब कटवम का प्रकोप होता है और सुबह के समय हम देखते हैं कि कुछ पेड़ काटे हुए गिरे हुए दिखाई देते हैं सतह से, तो उसकी कीट की रोकथाम के लिए आप क्लोरपाइरिफॉस 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई जल के साथ में उसका प्रयोग करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,100 रुपए से 2,300 रुपए, चावल मध्यम 2,400 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 3,800 रुपए से 4,500 रुपए, गेहूँ 1,600 रुपए से 1,800 रुपए, चना 3,200 रुपए से 3,400 रुपए, दाल अरहर 6,600 रुपए से 7,200 रुपए, दाल मसूर 6,600 रुपए से 7,000 रुपए, दाल चना 3,400 रुपए से 3,600 रुपए, सरसों तेल 8,700 रुपए से 9,600 रुपए, चीनी 3,100 रुपए से 3,300 रुपए, आलू 1,000 रुपए से 1,500 रुपए और प्याज 1,600 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से अवगत हुए और मंडी के भाव का भी पता चल गया हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर आए हैं, लेकिन ये जानकारी हम आपको देंगे एक छोटे से विराम के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर हैं। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। जी हाँ। तो झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? अजी, जानकारी देने का इरादा है। क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, अभी तो जाड़े का मौसम है और किसान भाई जाड़े के मौसम में अपनी सेहत की देखभाल तो करते ही हैं। बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं वो भेड़ और बकरी भी पालते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप भेड़ और बकरी पाल रहे हैं तो शरद के मौसम में यानी जाड़े के मौसम में उनकी देखभाल बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी विषय पर हम अपने किसान भाइयों को जानकारी भी दिलवा दें। बिल्कुल, नेकी और पूछ बहुत जरूरी जानकारी है। खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे किसान भाई बंधुगण अपने जो पशुपालन भी करते हैं, तो देख रेख तो करना ही है। तो आइए जानकारी लेते हैं हेमंत जी से। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे शरद मौसम में भेड़ बकरियों की देखभाल के बारे में। सर, हमारे किसान भाई जो भी भेड़ बकरी पालक हैं वो जाड़े के मौसम में किस तरह से अपने भेड़ बकरियों की रख रखाव करें? किसान भाई, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हम अपने बकरियों को काफ़ी, अभी जाड़े की मौसम है
और इनको अपने बकरियों को सुरक्षित रखने के लिए इनसे बचाव करना काफ़ी आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण आपको किसान भाई मैं जानकारी दे देता हूँ, अपने जो भी बकरियाँ हैं उनको जिस बाड़े का आप उपयोग कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे कि आप जो खिड़की आपके जो मकान में जो खिड़की है और शाम और एकदम सुबह में वो ढकी रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय शरद मौसम में हवाएं काफ़ी अंदर प्रवेश कर सकती है, तो उसमें अपने बाड़े के अंदर में जो भी खिड़कियां है उसको बोरे से ढक दें और नीचे के फर्श पे पुआल का मात्रा बिछा दें, एक लेयर बना दें, एक परत बना दें जिसमें बकरियों को काफ़ी आराम मिलेगा और उससे गर्मी महसूस होगी, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने बकरियों को जाड़ा के मौसम में अगर आप उसको संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं जिससे आपकी बकरियों में काफ़ी कमजोरी हो सकती है और संतुलित आहार न मिलने के कारण बकरी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी जिसके चलते उनको यह जाड़ा का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, तो इसीलिए किसान भाई आप अपने बकरियों को भी संतुलित आहार पे रखें चराने के अलावा। हमारे किसान भाई आपको ये ध्यान में देना होगा कि हम जब अपने बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं तो उस समय एकदम अहले सुबह नहीं चराएं और उसमें जब धूप निकल जाए उसके बाद अपने बकरियों को चराने के लिए ले जाएं जिससे आपको बकरियों में ठंड लगने की संभावना कम होगी और साथ ही साथ जब उसको चराने के बाद 4 से 5 घंटा चराने के बाद जब उसको अपने घर पर ले आएंगे तब भी ये ध्यान रखना है कि धूप सूर्य ढलने के जस्ट पहले तुरंत पहले अपने बकरियों को उसके बाड़ा में जरूर स्थानांतरित कर दें और अपने बकरियों में अगर आपको कोई बिजली की व्यवस्था है तो अपने 2-3 बल्ब अपने उसके बाड़ा में अवश्य लगा दें जिससे उसका शारीरिक तापमान बना रहे जिससे ठंडा का उसको महसूस नहीं हो। सर आपने बहुत अच्छी तरह बताया, किसान भाइयों आपको रख रखाव पर खासा ध्यान देना होगा, आप अपने भेड़ बकरियों को इस तरह से रखें कि ठंड उनका प्रकोप उन पर ना हो। सर आपने साथ ही साथ आपने बात की थी उसके आहार के बारे में, तो क्या कैसी संतुलित आहार होनी चाहिए, किस प्रकार के आहार होनी चाहिए, उनका खान पान या पोषण जाड़े के मौसम में किस तरह से उनका खान पान होना चाहिए? सबसे पहले किसान भाई आपको ध्यान देना है कि अपने चराने के बाद जितने 4 से 5 घंटा 6 घंटा चराने के बाद अपने बकरियों को निश्चित संतुलित आहार दें जिसमें अपना मकई का दारा, बादाम की खल्ली, गेहूं का चोकर, इस मिनरल मिक्सर और साधारण नमक की मात्रा इसमें अवश्य मिलाएं। यह भी जिसे मान लीजिए मकई का दारा 35 kg, बादाम की खल्ली 35 kg, गेहूं का चोकर 25 kg, मिनरल मिक्सर 2.5 kg और साधारण नमक 1.5 kg और जो विटामिन AD3 है उसको आप मिला के अपने बकरियों को प्रतिदिन कम से कम 250 से 300 ग्राम निश्चित खिलाएं जिससे कि इनको संतुलित आहार मिल सके। उनको शरीर को संतुलित आहार न मिलने से उनको प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उनको बॉडी को नहीं शरीर को नहीं मिलेगी, प्रोटीन की मात्रा नहीं मिलेगी, वसा की मात्रा नहीं मिलेगी जिससे पशु आपके कमजोर बकरी कमज़ोर हो जाएगी और उसको बहुत तरह का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। उसमें ठंडा भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि उसको तुरंत ठंडा लग सकती है, उसको एनर्जी भी नहीं मिलेगा शरीर में जिसके चलते उसको ठंडा तुरंत लग जाएगी या बकरी भी मर सकती है। सर आपने बताया कि ठंड लगने की बात, हमने देखा है कि जाड़े के मौसम में बहुत सारी भेड़ बकरियां मर भी जाती है, तो ये इसका कारण क्या है? किसान भाई हमारे जो जाड़े के समय में आप देखेंगे कि अधिकतर बकरियां काफ़ी मरती है और इसमें हमारा दो वैज्ञानिक होने के नाते आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि सबसे पहले किसान भाई आप PPR का टीका अपने बकरियों को अवश्य कराएं, क्योंकि उस समय इस सीज़न में जाड़ा आते आते जैसे दिसंबर जनवरी के महीना में आपकी बकरियों में मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण है कि अपने खान पान के अलावा अगर अपने बकरियों का टीकाकरण प्रमुख रोग है PPR, अगर उसका टीकाकरण अगर आप नहीं कराएं तो आपकी बकरियों में मृत्यु दर 100% हो सकता है, 100%। तो आप किसान भाई अपने बकरियों को PPR बचाने के लिए अपना साल में आप आजकल 2 बार टीकाकरण PPR का करवाएं जिसमें आपकी बकरियों की मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है। और यह भी आपको ध्यान में रखना होगा किसान भाई कि निमोनिया का प्रकोप जाड़े के मौसम में बकरी और उससे जो बच्चे पैदा होती है मेमना उसमें ये काफ़ी प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे पहले किसान भाई आपको ध्यान रखना है कि बकरियों को संतुलित आहार दें, उनको ठंड से बचाएं, तभी अगर आप अपने
जब बकरी को ठंड से बचाएंगे, अगर माँ ठीक रहेगी तो बच्चे में भी उसका असर कम दिखेगा, और बच्चे को माँ के साथ अवश्य उसका पूरा जो भी मेमना पैदा हुआ उसका पूरा आहार, कम से कम अगर नया बच्चा पैदा हो तो उसका जो माँ का दूध है जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम फीडिंग बोलते हैं, पहला दूध अवश्य पहला 4 दिन अवश्य उसका दूध पिलाएं, जिससे उसके बच्चे तंदुरुस्त रहे और मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाएगी और निमोनिया का भी प्रकोप उसमें कम होगा। तो किसान भाई जरूर ध्यान दें आप। और सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, और कोई महत्वपूर्ण और या कोई अन्य जानकारी जो हमारे किसान भाइयों को इस जाड़े के मौसम में ध्यान रखना हो? किसान भाई अपने बकरियों को सबसे पहले हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िला में जो ब्लैक बंगाल हमारे जो आप बकरियाँ देखते हैं सब आपके मांस के लिए काफ़ी उपयुक्त है, इनका प्रॉपर आप ख्याल रखें, खान पान आवास और उसका प्रॉपर स्वास्थ्य संबंधी में आप एकदम चौकस रहें जी। अगर ये 4 बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपको बकरियाँ की मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। तो आप अपने बकरियों को चराने के अलावा अवश्य संतुलित आहार पर रखें और अपने बकरियों में PPR का टीका जो अवश्य कराए। सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी बेहतर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झुमकी बहन, ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। किसान भाइयों के लिए और भी ढेर सारी जानकारी है, लेकिन ये जानकारी देंगे एक विराम के बाद। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रख कर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं, इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, जानकारी का सिलसिला जारी है। तो गंद्रू भाई, अब दूसरी जानकारी आप क्या दिलवाने वाले हैं हमारे किसान? अब दूसरी जानकारी हम सीधे सीधे किसान भाइयों को खेती बाड़ी से संबंधित अगर जानकारी दिलवा दें तो कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड में सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है और किसान भाई लत्तेदार सब्जियों की खेती भी करते हैं। तो किसान भाई, अगर आप लत्तेदार सब्जियों की आगात खेती कर रहे हैं तो उनमें किन बातों का ख्याल रखना है, कौन से प्रभेद लगाने हैं, कब उसमें कीटनाशक का प्रयोग करना है, किन किन कीटनाशकों का प्रयोग करना है ताकि उससे रोग और जो कीट है उससे उनका बचाव हो सके, तो इन तमाम बातों की जानकारी हम लेकर के आए हैं अपने किसान भाइयों के लिए। और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। जी हाँ, ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार जी। किसान भाइयों, आज हम अपने इस अंक में बात करेंगे लत्तेदार सब्जियों की आगात खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि लत्तेदार सब्जियों की जो खेती होती है, जो आगात खेती है, तो उसमें जो उपयुक्त मौसम और जो उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो क्या होनी चाहिए? हमारे यहाँ आगात मौसम में जो अगर किसान भाई लत्तर वाली सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो पहले तो हम ये किसान भाई को बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो लत्तर की खेती जो होती है वो 2 मौसम में होती है, एक जायद गर्मी में और एक बारिश में इसकी अच्छी ढंग से इसकी खेती होती है। वैसे सालों भर जैसे कद्दू है वो सालों भर होता है, लेकिन हर जगह के लिए अलग अलग स्थानीय जो कुछ कद्दू के किस्में हैं जिसकी खेती हो रही है। सबसे पहले जो हम लोग को मिट्टी जो है वो बलवाई दोमट होनी चाहिए, बलवाई दोमट या दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिसका PH 6 से 7 डिग्री उसका PH होना चाहिए, जो बहुत ही उपयुक्त है। जहाँ तक तापमान की बात है, वातावरण की बात है, हमको लत्तरदार वाली सब्जियाँ ठंडे में बहुत अच्छा मतलब उपज नहीं दे पाता है और मतलब उपज ना के बराबर होता है। तो हम किसान भाइयों से यही है कि किसान भाई जो जायद में लगाते हैं, गर्मा में लगाते हैं, उसकी खेती आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आगात खेती के लिए जो पौधशाला जो तैयार होती है वो कैसी होनी चाहिए? देखिए, आगात पौधशाला एक तो हम लोग पॉलीथीन ट्यूब में हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं और एक डायरेक्ट हम लोग खेत में लगाते हैं, तो दोनों में अंतर है। अगर आप डायरेक्ट खेत में सीधे बीज लगाते हैं तो उसमें देख रेख पर खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें कीड़े बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, ओले पाले से भी हम लोग को उसको पौधे को हानि होता है। तो हम लोग किसान भाई आगात करने के लिए हम लोग सबसे अच्छा क्या करते हैं कि पॉलीथीन ट्यूब
पॉलीथीन ट्यूब में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। पॉलीथीन जो ट्यूब है वो 6 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का उसका व्यास होना चाहिए, और उस पॉलीथीन ट्यूब के नीचे में 3-4 होल कर देते हैं, 3-4 छेद हम लोग उसके अंदर कर देते हैं। करने के बाद उसमें बालू की एक मात्रा, मिट्टी की एक मात्रा और एक FYM, ये तीनों की मात्रा ले लेते हैं, और तीनों को लेके हम लोग, अगर वो तीनों मिला के 100 kg है तो उसमें हम लोग ये करते हैं 200 ml क्लोरोपाइरीफॉस या कि 50 ml इमिडाक्लोबिड, उसको अच्छे ढंग से उसमें मिला देते हैं। मिला लेने के बाद हम सारे पॉलीथीन को, हम उसको जो पॉलीथीन मेरा बैग है उसमें उसको हम लोग भर देते हैं, जो मेरा जो मिश्रण तैयार किए हैं गोबर बालू और मिट्टी का, उस मिश्रण को हम लोग उस पॉलीथीन बैग में भर देते हैं। भरने के बाद उसमें हल्की नमी डालते हैं, नमी कर देते हैं, और हर पॉलीथीन में कम से कम 2 सीड जी, 2 सीड हर पॉलीथीन में डालते हैं। सीड को डालने से पहले हम लोग बीज का उपचार कर लें, वो थीरम से, जीरम से, कैप्टन से या बेबिस्टिन से, किसी भी चीज़ से हम लोग उसका बीज का उपचार कर लेते हैं, और बीज का उपचार करने के बाद हम लोग उसमें 2-2 बीज पर पॉलीथीन देते हैं। जब हमारा पौधा 20-25 दिन का होता है, हो जाता है, तब उसको हम लोग खेत में लगाने के लिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम जब अपने घर में तैयार करते हैं तो हमारे पास इतना समय रहता है कि अगर हमारी खेत तैयार नहीं की हुई है तो हम अपने खेत की तैयारी भी कर लेते हैं। इधर मेरा एक नर्सरी भी तैयार होता है, पौधा भी तैयार होता रहता है, और बगल में अपनी खेत की तैयारी भी अच्छे ढंग से कर लेते हैं। खेत की तैयारी हमारे किसान भाई पौधा लगाने से पूर्व कैसे करें? देखिए, हम लोग किसान भाई से ये कह सकते हैं कि एक तो पहले, सबसे पहले वो देसी हल से 2-3 अच्छे ढंग से जुताई कर दें। जुताई करने के बाद, हर जुताई के बाद वो पाटा मार दें, जिससे ज़मीन हमारा जितना भी मिट्टी है वह भुरभुरा हो जाएगा, और हम लोग उसमें लाइन बना के या बेसिन बना के या नाली बना के हम उसमें लगाते हैं। या दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग जो स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग जो दूरी है, उस दूरी पे हम लोग गड्ढा खोद देते हैं, और उस गड्ढे में हम लोग उसको ले जाके हम लोग उस पौधे को डाल देते हैं। जो पौधा की जो दूरी होती है हमारे खेतों में वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, हम अगर कद्दू लगाते हैं तो कद्दू के बीच में 2.5 से 2.5 मीटर कतार से कतार के बीच की दूरी होनी चाहिए, और पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी होती है वो 1.5 मीटर रखते हैं। अगर हम लोग उसके जगह पे कद्दू, अगर हम लोग अगर लगा रहे हैं, करेला लगाते हैं, तो करेला में क्या है, कतार से कतार के बीच की दूरी जो हम लोग 1.5 मीटर रखते हैं, और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 70-75 सेंटीमीटर हम लोग इसको रखते हैं। तो हम लोग उतने उतने दूरी पर, हम लोग जो दूरियाँ हैं, जो हमारा कतार से कतार, और उसके बाद उस कतार के बीच में, जो कतारों के बीच में जो हम लोग पौधा लगाना है, हर 75-75 सेंटीमीटर में एक डिगिंग करते हैं, गड्ढा बना देते हैं, और उस गड्ढे के अंदर हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ये वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट, अगर FYM हो तो FYM हम लोग उसमें 15 दिन पहले डाल देते हैं। अगर हमको यूरिया डालना है तो 5-7 ग्राम यूरिया डाल देते हैं, 4-5 ग्राम फास्फोरस, 4-5 ग्राम हम लोग पोटास, नाइट्रोजन की आधी मात्रा हम लोग रोक लेते हैं, बाकी जो है हम लोग इसकी पूरी की पूरी मात्रा डाल देते हैं, अच्छे ढंग से मिला के उसमें रख देते हैं 15 दिन तक। उसके बाद हम लोग गड्ढे को भर देते हैं, उसके 15 दिन के बाद उसमें हमारा जो मेरा पॉलीथीन ट्यूब में जो पौधा तैयार है उसको काट लेते हैं अच्छे ढंग से, पॉलीथीन ट्यूब को सावधानी से काटते हैं, काटने के बाद उसमें हम लोग लगाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या होता है कि पहले तो उपचार भी बहुत पहले हम लोग कर चुके हैं अच्छे से, खेतों की तैयारी भी, लेकिन बहुत बार होता है कि हमारे किसान भाइयों को फल अच्छे तरीके से नहीं मिल पाते हैं, तो ज़रूर ऐसे कोई बहुत सारे किस्में होंगी जो अच्छे प्रभेद होंगे जो हमारे किसान भाई को आप बताएं जो कि अपने वो खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक तो बहुत इसमें जो लत्तर वाली सब्जियाँ हैं उस पर तापमान का बहुत फर्क पड़ता है। अगर मेरा तापमान ज़्यादा हो जाता है, अगर हमारा जो ऑप्टिमम तापमान, जो अनुकूल जो तापमान है, उस तापमान से अगर तापमान मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है जी, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, फूल झड़ने लगता है, फल लगेगा और झड़ जाएगा जी, फल लगेगा और झड़ने लगता है। और ऑप्टिमम से थोड़ा सा ज़्यादा तापमान है तो लत्तर वाली सब्जियों में क्या है कि तापमान बढ़ता है तो फीमेल संख्या बढ़ती है जी, फीमेल मतलब मादा फूलों की संख्या बढ़ती है जी, और जब तापमान घटता है तो नर फूलों की संख्या बढ़ती है। तो बहुत जगह किसान भाई ये कहते हैं कि हमारे यहाँ फूल लग रहा है, फल नहीं लग रहा है, तो ये समस्या अगर ज़्यादा तापमान है, बहुत ज़्यादा तापमान अगर हो गया, मोर देन 40 डिग्री के आसपास, 40 डिग्री के आसपास तापमान है, तो फल लगने के बाद झड़ने लगता है। उस स्थिति में किसान भाई को ये करना है कि अपने खेत की सिंचाई कर देना है। जैसा भी आपने बताया कि सिंचाई भी बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से प्रमुख किस्म है लतेदार सब्जियों की जो कि हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे कद्दू की जो अच्छी किस्में हैं वो अर्का बहार है,
काशी कोमल है, काशी उर्वशी है, पूसा मेघदूत है, पूसा मंजरी है, पूसा नवीन, ये कद्दू की बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। और ये सब वैरायटी अगर नहीं मिल पाता तो किसान जो स्थानीय लेवल पे अगर कोई अच्छी कद्दू की किस्में उपलब्ध है तो किसान भाई उसको लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी भी पसंद आई होगी और जो लतेदार सब्जियों की अगाध खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उनको ये जानकारी काफी लाभ पहुँचाएगा। बिल्कुल पहुँचाएगा, लेकिन मुझे लगता है हम सबको चलना चाहिए एक बार IMT पुणे। चलेंगे? बिल्कुल चलिए किसान भाइयों। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं। हवा उत्तर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। अभी के मौसम में आलू फसल में अंगमारी रोग के आक्रमण का खतरा रहता है। इस रोग से सुरक्षा के लिए किसान खेतों में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें, खेत के आसपास धुआं करें और फफूंदी नाशक दवा का छिड़काव करें। पहले से बोई गई दलहनी और तेलहनी फसलों में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। जो किसान धान काटने के बाद गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वे मिट्टी में मौजूद नमी का लाभ उठाते हुए अविलंब खेत की तैयारी करके बुआई करें। चलिए, ये काम भी हमारा पूरा हुआ, लेकिन कोई काम बाकी रह गया। बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम का समय शेष होने वाला है, तो कार्यक्रम के आखिर में हम अपना पता बताते हैं ताकि आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें खतों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकें। तो फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रायपुर रोड रांची। पिन संख्या है 8340001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति, नमस्कार।